जब अपने पास थोड़ा फ्री टाइम हो और मॉडिफाइड अपनी बाइक हो तो मन में आ ही जाती है कि बाइक लो और निकल जाओ कहीं भी यूं ही बेवजह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कैसा था अपनी मॉडिफाइड बाइक से मिनी लद्दाख का एडवेंचर वाला एक्सपीरियंस। एक नाम बहुत सुनने में आ रहा था, मिनी लद्दाख। लद्दाख तो सुना था ही, मिनी लद्दाख क्या है। हमने की गूगल बाबा को उंगली और पहुँच गए फरीदाबाद। दिल्ली से लगभग 1-1.5 घंटे की दूरी पर है यह जगह। गूगल के इशारों पर चलते हुए हम पहुंच गए सिरोही गांव में। गांव के एंड में जहां देखते हैं सूखी झाड़ियां और ऊंचे पहाड़, इनके बीच में एक कच्चा पतला मिट्टी का रास्ता जिस पर बाइक से आते जाते जोशीले लड़के। इस रास्ते के साइड में थी खाई और रास्ते की चौड़ाई देखकर थोड़ा डाउट हुआ, अपनी साइड अटैचमेंट वाली बाइक जा भी पाएगी अंदर। हमने लिया बजरंगबली का नाम और चढ़ा दी अपनी गाड़ी। अंदर जाने के बाद जो नज़ारा और जो फीलिंग होती है वो अलग है। एक टाइम के लिए तो गूगल भी फेल हो जाता है यहाँ पे। इस जगह को पेंगोंग लेक से कंपेयर किया जाता है। अगर जगह की खूबसूरती की बात की जाए तो जगह सच में बहुत खूबसूरत है। रियल लद्दाख जाने का मौका कभी मिलेगा तो अपनी इस बाइक से ज़रूर जाएंगे, लेकिन ये पल बहुत खूबसूरत था। नीचे एकदम साफ पानी और चारों तरफ पहाड़, और मुँह पर आ ही जाता है वाह क्या सीन है। यहाँ आने के लिए सिर्फ अपनी बाइक और कार का ही ऑप्शन है। अगर आप दिल्ली या इसके आसपास कहीं रहते हो तो ही आना यहाँ पे वर्थ होगा। रुकने का कोई यहाँ पे ठिकाना नहीं है और जो यहाँ पे लोकल जनता है उस पर भी इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। नीचे जाने को तो अपन पानी के पास नीचे भी जा सकते थे जहाँ और भी बाइकर्स थे, बट ज़्यादा रिस्क लेना हमें ठीक नहीं लगा, जो कि ठीक भी था क्योंकि इसके जस्ट बाद ही 2 पुलिस वाले वहाँ आ गए थे। हमको लगा जस्ट नॉर्मल पेट्रोलिंग के लिए आए होंगे, बट उनको देख के सब इधर उधर भागने लगे। हम ऊपर ही थे तो पहला शिकार हम ही बने। उन्होंने हमसे पूछा कि कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। कल ही एक बाइक चोरी हुई है और मर्डर भी हुए हैं यहाँ पे। मेरी क्रैचेस और मॉडिफाइड बाइक देखकर एक पुलिस वाले ने अपनी हरियाणवी बोली में बोल दिया, पैर तो है नहीं तेरे और तू आ गए यहाँ पे रेसर बनने। पुलिस वाले ने जो बोला उसका ख़राब तो लगा क्योंकि गलती हमारी नहीं थी, लेकिन हमको इस जगह के बारे में कोई आइडिया नहीं था। गूगल या यूट्यूब पर जितने भी रिव्यूज़ थे ये किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है और सेफ भी नहीं है, तभी हम वहाँ पे गए थे, अदरवाइज़ हम वहाँ नहीं जाते। यही बात हमने उनको बोली और टूटे दिल के साथ निकल लिए वहाँ से। लेकिन जब इरादे करके निकले हैं तो रुकते कैसे। हम गए एक और बार गूगल के पास और मिनी लद्दाख के जस्ट 3-4 किलोमीटर की दूरी पर थी खोरी जमालपुर झील। पथरीला रास्ता और चारों तरफ कांटों वाली झाड़ियाँ, इनके बीच रॉकेट की तरह दौड़ती अपनी गाड़ी। अपनी साइड अटैचमेंट वाली बाइक से कभी मैंने इतनी ऑफ रोडिंग नहीं करी थी। ये पहली बार था जब मैं इतनी ऑफ रोडिंग इस बाइक से कर रहा था। डर भी था और एक्साइटमेंट भी। झील की तलाश में हम इन अनजान रास्तों से गुजर तो रहे थे, लेकिन हमें अंदर से डर भी लग रहा था इलाके की शांति को देखकर कि अगर कोई अनजान आदमी हमसे मिल गया जिसके इरादे ठीक नहीं हुए तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते रहे। एकदम शांत रास्ते, ना बंदा ना बंदे की जात। डरते संभलते हम पहुंच गए पहाड़ों के एकदम बीच में जहां पर थे पानी से भरे हुए और सूखे चट्टानों वाले गड्ढे। ऐसा लगता है जैसे यहां कभी खुदाई का काम हुआ हो। हमने लिया मस्त व्यू का आनंद और बीच रास्ते को ही रेसिंग ट्रैक बनाकर दौड़ाई अपनी गाड़ी।
यहाँ पर पहुँचना मेरे लिए एक अलग खुशी की बात थी। मैं बार बार यही सोच रहा था अगर मेरे पास ये मॉडिफाइड बाइक नहीं होती तो मैं शायद कभी यहाँ पे अपनी पैरों की दिक्कत के साथ नहीं आ पाता। क्योंकि ऐसे मोमेंट बार बार नहीं आते, इसलिए हमने किया अपना फ़ोटो वीडियो शूट और कैद कर लिया इस मोमेंट को अपने फ़ोन के कैमरे में। इससे पहले कि यहाँ पे भी कोई नई भसड़ होती, वीडियो शूट करने के बाद हम निकल लिए अपने घर को। खोरी जमालपुर झील से निकलने के बाद का जो एडवेंचर था वो अलग था, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हमें जाना था अपने घर, लेकिन गूगल ने हमें फंसा दिया अरावली के जंगलों में। अपनी डेयरिंग और बाइक की मजबूती का अंदाज़ा तो हमें उसी दिन हुआ था जब हम इन अनजान रास्तों से अपने घर के लिए लौट रहे थे। कहीं पर टेढ़े तीखे घुमावदार रास्ते तो कहीं पर ऊंचे नीचे चढ़ाई। एक पल के लिए तो लगा अगर गाड़ी थोड़ी सी भी पीछे बैक हुई तो सीधा खाई के अंदर। कमाल का एक्सपीरियंस रहा इस शॉर्ट और मज़ेदार एडवेंचर ट्रिप का। अपनी पैरों की दिक्कत के साथ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी एक्सपीरियंस कर पाऊँगा ऐसा कुछ, लेकिन अपनी मॉडिफाइड बाइक ने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी एक्सपीरियंस कर पाऊँ जैसे एक नॉर्मल राइडर महसूस करता है अपनी मंजिल पर पहुँचने के बाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आगे भी आपके साथ ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।